So this is going to be the best video on YouTube regarding top 20 private colleges for WBG 2024. यहाँ पर खास बात ये है इस वीडियो में कि टॉप 20 लिस्ट तो मैं शेयर करूँगा ही काफ़ी बेहतर तरीके से, एक परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। साथ ही साथ जो एवरेज पैकेज है हर एक कॉलेज का वो क्या है, साथ ही साथ जो कट ऑफ है लाइक क्लोजिंग रैंक है जो हर एक कॉलेज को क्या रहता है जनरली, ठीक है, एंड चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस का, तो सब कुछ ये चीज़ कवर करूँगे इसी वीडियो में। अब देखो बाकी भी यूट्यूब चैनल्स मौजूद है जहाँ पर टॉप 20, टॉप 10 ऑर्डर करके रख दिए है, बट ये जो ऑर्डर मैं करने वाला हूँ कुछ यूनिक है। मतलब ये अगर देख लिए कोई भी YouTube वीडियो देने का नीड आपको नहीं पड़ेगा, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सो प्लीज़ आए हो तो पूरा देखो, आधा अधूरा मत देखो, अदरवाइज आप बेकार में गलती कर बैठोगे। कंप्लीट नॉलेज लो, ठीक है। आप पर पहली बार यहाँ पर विजिट किए हो तो प्लीज़ ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं लाया हूँ, ये जो एनालाइज मैं करने वाला हूँ, काफ़ी टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक बनता है एंड शेयर जरूर बनता है एंड सब्सक्राइब तो खैर आप करोगे ही, ठीक है, तो होपफुली आप ये काम कर दोगे। अब देखो जितने भी कॉलेजेस हैं सारे को मैं एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हो, ऐसा नहीं कि यही एक नंबर है, यही दो नंबर है, यही तीन नंबर, यही चार नंबर में, आप इंटरचेंज कर सकते हो। समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो टोटल 20 कॉलेज है जो मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो 20 कॉलेज है उसको मैं सेगमेंट में डिवाइड कर दिया हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है, लाइक P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4, P5, P6, P7, P8, P9, तो 9 सेगमेंट में मैं डिवाइड किया हूँ। एंड हर एक जो सेगमेंट है आप कॉलेज को इंटरचेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मे बी जो फीस है, जो लोकेशन है, जो फैकल्टी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और भी जो फैक्टर है आपको पसंद नहीं है, या सपोज़ आप कुछ और को प्रेफर करना चाहते हो, आप कर सकते हो इंटरचेंज, बट अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट मैं आपको ऑर्डर कर दिया हूँ। लेकिन देखो 1 में आपका है IIM, सेकेंडली हेरिटेज, थर्डली टेक्नोमेन सॉल्ट लेक, फोर्थली नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज, फिफ्थ हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ AOT, सेवन्थ नरूला, एट्थ सेंट थॉमस, 9th बीपी पोद्दार, 10th मेघना साहा, 11th टेक्नो इंटरनेशनल, 12th RCC, 13th FIEM, ठीक है, 14th आसनसोल, 15th डॉक्टर BC, 16th GNIT, 17th GIS कॉलेज, एंड देन आपका सिस्टर हो गया, बजबज हो गया, डॉक्टर सुधीर हो गया। तो टॉप 20 ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, जो रीसेंट डेटा है 2024 का देखते हुए मैं ये ऑर्डर तैयार किया हूँ। अब बात को समझो मैं क्या बताना चाहता था उस वक्त, ठीक है, कि सपोज कैटेगरी P1 है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मीन्स आप अगर ये सोचो कि भैया ने लाइक IIM को 1 पर रखा है, हेरिटेज को 2 पर रखा है, मतलब क्या मुझे IIM ही चूज़ करना चाहिए, ऐसा कोई बात है नहीं। प्लेसमेंट का 19-20 का ही फ़र्क है, तो जी आप चाहो तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। समझ में बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, उसी तरह से ये जो कैटेगरी है, ये जो सेगमेंट है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप चाहो तो नेताजी को ऊपर रख सकते हो एंड टेक्नोमेन को नीचे रख सकते हो, तो ऐसे काम कर सकते हो। मीन्स जो मैथमेटिक्स में 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, इसको भी 2 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हो। चाहो तो AOT को पहले रखिए या हल्दी को बाद में रखिए, कुछ ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, ऐसा कुछ हाई फाई फ़र्क दिख जाएगा था कुछ ही बात नहीं है, ठीक है। सेम लाइक आपका ये है 3 फैक्टोरियल, मीन्स आप चाहो तो पहले BP, फिर टेक्नो इंटरनेशनल, फिर मेघनाथ, या चौथे पहले मेघनाथ, फिर BP, फिर टेक्नो इंटरनेशनल, मतलब जो अरेंजमेंट है, तो ऐसे तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये मत करना कि आप P1 को रख रहे हो, ठीक है, एंड P1 के बाद आप डायरेक्ट P3 को रख रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब मैं क्या बताया कि आप सेगमेंट के अंदर इंटरचेंज कर सकते हो, बट जो कैटेगरी है उसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भैया मैं P1 को पहले रखता हूँ, फिर P3 को नीचे रखता हूँ, एंड देन P2 रखता हूँ, तो EMM नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, सेगमेंट है उसके अंदर जो है उसको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फिर भी लाइक आपका बहुत ही मन है कि नहीं भैया आप P2 के बाद मुझे P4 जाना है, तो कर सकते हो वर्स्ट केस में, बट एकदम से और नीचे मत जाना। जैसे मान लो ये सीढ़ी है, ठीक है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, करते करते P9 तक है, ठीक है, तो आप एक सीढ़ी ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आप P4 के बाद, आप चाहो तो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट आपका बहुत ही मन है कि नहीं भैया P4 के बाद मुझे P5 नहीं जाना है, मुझे P6 जाना है, तो जी हाँ कर सकते हो, बट और नीचे लाइक P7
मत जाओ, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जिनका लोकेशन का इशू होता है, लेट्स से कोई कॉलेज है, मान के चलिए बीपी पोदार हो गया, मेघना शाह हो गया, टेक्नो इंटरनेशनल हो गया, अब मान के चलो ठीक है, लाइक आपका जो घर है न्यूटाउन में है, तो आप क्या करोगे, आप टेक्नो इंटरनेशनल को ऊपर रखोगे, ठीक है। एंड लेट्स आपका जो घर है वो MSIT के बगल में है, तो आप MSIT को बगल में रखोगे। अब मान के चलिए लेट से जो बीपी पोदार का जो फीस है बहुत ही कम है, ठीक है, तो आप बीपी पोदार को ऊपर रखे हो, एंड उससे और थोड़ा हल्का फी टेक्नो इंटरनेशनल का है आप उसको रखोगे, एंड देन मेघना का और ज़्यादा तो नीचे रखोगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मान के चलिए कई सारे बच्चे जिनको IIM पसंद नहीं है, तो हाँ जी आप इंटरचेंज कर सकते हो, मैंने तो पहले बता रखा कि हाँ आप हेरिटेज को ऊपर रख सकते हो, IIM को नीचे रख सकते हो। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, फैकल्टी को देखते हुए, फीस को देखते हुए, अपना जो लोकेशन है क्योंकि आपको ट्रैवलिंग तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, उसको देखते हुए आप इंटरचेंज कर सकते हो। सो इस तरह से चॉइस फिलिंग करना होगा। और देखो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, सपोज मैंने टेक्नोमेन को लिखा है थर्ड पर, फोर्थ को लिखा है नेताजी सुभाष को, तो ऐसा भी मत करना कि टेक्नोमेन का CAC, टेक्नोमेन का IIT, टेक्नोमेन का CAC स्पेशलाइजेशन, फिर ये हो जाने के बाद अब फिर स्टार्ट करो नेताजी का CAC, नेताजी का IIT, नेताजी का CAC स्पेशलाइजेशन, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लाइक टेक्नोमेन का CAC वर्सेस नेताजी का CAC, तो रेफर दिस PDF, ठीक है। वैसे जितने भी यहाँ पर कॉलेजेस है लाइक 1 से 20 तक, आपको जिसमें भी डायरेक्ट एडमिशन चाहिए आप हमारे टीम से आज ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो नंबर दिया गया आप सिंपली यहाँ पर कॉल कीजिए, आपको ऑलरेडी सीट बुक होना स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन इंस्टेंट भी हो रहा है, ठीक है, तो आप एडमिशन भी इंस्टेंट ही करवा सकते हो। काफ़ी लिमिटेड सीट्स मौजूद होते हैं जो खास करके जो ब्रांचेस है CAC, IIT एंड स्पेशलाइजेशन, तो सीट्स काफ़ी फिलअप हो जाते हैं। तो आपका अगर रैंक अच्छा नहीं आया है या आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो आज ही सीट बुक करवाइए या तुरंत आप इंस्टेंट एडमिशन करवा सकते हो। हम लोग का ऑफिस है सेक्टर 5 में, जो टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी है, जस्ट उसका अपोजिट में हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बिल्डिंग है, सिंपली वहाँ पर जाना है एंड आप वहाँ पर प्रोसेस करवा सकते हो। प्लीज जो एड्रेस का जो डिटेल्स है मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चेकआउट करो, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। देखो 20 के बाद ही काफ़ी भर भर के कॉलेजेस है, बट उसको मैं कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ, लाइक आपका MCKVI हो गया, आपका CIM हो गया, ठीक है, तो भर्ती कॉलेजेस है, तो आप उसको मान के चलिए P10, अब आपका मर्जी जो ले हो। बट देखो मैं रिकमेंड ये करूँगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, कि आपको अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए देन ट्राई टू टेक टिल P3, ठीक है। वैसे P3 सबको नहीं मिल सकता है, P3 तक आपको थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, तो आप P4 ले सकते हो, P5 तक भी ले सकते हो, बट P6 से थोड़ा मतलब ऐसे वाला बात हो जाता है, ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा। बट फिर भी अगर मतलब आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है, आपके पास उतना पैसा है नहीं कि आप एडमिशन करवा सकते हो डायरेक्टली, तो आप P6 या P7, P8, P9 ले सकते हो। वैसे हम लोग का जो एडमिशन टीम है, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस से कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में आपका एडमिशन हो जा रहा होगा। जितने भी लाइक वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस है सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग जो फी है, एडमिशन चार्ज है, हम लोग के द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज का, तो जो टॉप 20 कॉलेजेस है उसका एवरेज पैकेज क्या है। तो 2024 का जो फीडबैक मुझे मिला, जो भी बच्चे जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में, उनसे बात करने के बाद बच्चों ने जो कहा उसके हिसाब से मैं एक रफ आइडिया तौर पर एवरेज पैकेज यहाँ पर नोट किया हो, ठीक है, देख सकते हो। लाइक IIM का 5.5 LPA, हेरिटेज का 4.75 LPA, टेक्नोमेन का 5 LPA। अब आप पूछोगे भैया आपने तो हेरिटेज के ऊपर क्यों रखा है, एवरेज पैकेज तो टेक्नोमेन का ज़्यादा है। तो देखो प्लेसमेंट अब कंप्लीट देखिए ना, लाइक कितना कंपनी आ रहा है, क्या पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कंपनी आ रहा है वो क्या MNC है कि स्टार्टअप है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट मीन्स प्लेसमेंट सेल दिखोगे वो हेरिटेज का थोड़ा बेहतर है एज कम्पेयर टू टेक्नोमेन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एवरेज पैकेज इसका ज़्यादा है तो यही अच्छा है, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको रिपीट करके बोर नहीं करना चाहता हूँ, सिंपली जो मुझे एक्चुअल जो डेटा मिला बच्चों से, जो जेन्युइन जो फीडबैक है उसके हिसाब से मैं ये डेटा को लिख रखा हूँ। ये जो PDF है, जो स्लाइड है, इसका मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सारा लिस्ट मौजूद है, देख सकते हो। आज जनरली जो टॉप 10 है वहाँ तक लाइक पैकेजेस आप देख सकते हो, लाइक 4 LPA तक है, उसके बाद लाइक 4 LPA से थोड़ा कम ने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बट स्टिल मतलब आपको अगर एडमिशन चाहिए तो ले सकते हो। अब जी बात करते हैं फाइनली क्लोजिंग रैंक को लेकर के, ठीक है। तो IIM का जो क्लोजिंग रैंक है 5K है। अब देखो क्लोजिंग रैंक यहाँ पर मैं जो लिखा हो ध्यान दो, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन कोर के लिए है।
अब नॉन कोर में क्या क्या आता है, सीएससी आता है, आईटी आता है, सीएससी स्पेशलाइजेशन आता है एंड ईसी आता है। तो इतने तरह के नॉन कोर डिपार्टमेंट है। जो लास्ट जो है लाइक आपका ईसी लास्ट, उसका जो क्लोजिंग रैंक है मैंने वो लिख रखा है, ठीक है, हर एक कॉलेजेस का। तो ऐसा नहीं कि आपका अगर क्लोजिंग रैंक हेरिटेज का 9K है तो सी सी आई टी मिल जाएगा 9000 पर, ऐसा बात है नहीं। जो लास्ट है लाइक ईसी, ठीक है, नॉन कोर में, तो उसका क्लोजिंग रैंक ये रहता है। बाकी जो डिटेल है लाइक ब्रांच वाइज कट ऑफ, ठीक है, लाइक सी एस ए कितना कट ऑफ है, आई टी कितना कट ऑफ है, उसका भी डिटेल मेरे पास डेटा मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हो जो पीडीएफ है, तो सिंपली जाओ एंड वहाँ से डाउनलोड कर लो, आपको हर एक ब्रांचेस का कट ऑफ मिल जाएगा। बाकी लाइक जिनको सिर्फ कॉलेज से मतलब है, ब्रांच जो भी मिला मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉलेज से मतलब है, तो आप देख सकते हो जो कॉलेज है इसका क्लोजिंग रैंक ये रहता है, ठीक है, कि हाँ ब्रांच सी एस सी हो या ईसी हो मैटर नहीं करता, मुझे बस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो देख सकते हो यूटी का 28K है, नोरला 28K है, ठीक है, टेक्नो इंटरनेशनल सिटी के, तो हर एक कॉलेज का मैंने काफ़ी डिटेल में लिख रखा है। चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया हूँ कि ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए, लाइक P1 P2 P3 आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो हेरिटेज का CSE टेक्नोमेन का CSE, फिर आपका चाहिए हेरिटेज का IT टेक्नोमेन का IT, हेरिटेज का ECE टेक्नोमेन का ECE, हेरिटेज का CSE स्पेशलाइजेशन टेक्नोमेन का CSE स्पेशलाइजेशन, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके साथ चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने क्या बताया कि आप जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ट्राई करो सेगमेंट के अंदर ही आप इंटरचेंज करने का, सेगमेंट के बाहर इंटरचेंज नहीं करने का। सो मैं जिस तरीका से ये समझाया हो, मैं जो ऑर्डर किया हो, ये काफ़ी यूनिक तरीका है, बाकी लोग ऐसे करता है नहीं, बस 1 2 3 4 बता के छोड़ देता है, ठीक है। बट आपका 1% भी कन्फ्यूजन ना रहे, मैं ये रूल फॉलो किया हो, सो डैट आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे एक परफेक्ट आपका रोड मैप रहे कि हाँ जी ऐसे से करना है। वैसे आप में से कोई भी स्टूडेंट एंड पेरेंट हो जिन्हें WBG का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपका रैंक 1 हो या 1 लाख हो, हमारी टीम पूरी तरह से हेल्प करेंगे सूरत को एक परफेक्ट कॉलेज, एक परफेक्ट ब्रांच मिल जाए जहाँ पर प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा। एंड जिन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए सबसे मिनिमम बजट में इन IIM टेक्नो हल्दिया नरुला GIS, देन यू कैन कॉल आवर एडमिशन टीम नाउ। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहो तो हम लोग का जो ऑफिस है कोलकाता में वो विजिट कर सकते हो। विजिट करने से पहले अपॉइंटमेंट जरूर बुक करवा लेना।